हाय दोस्तों, मेरा नाम है निखिल जैन और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुछ तो करिए। आज हम बात करने वाले हैं COVID-19 वैक्सीनेशन के बारे में, जो अभी रिसेंटली मैं खुद गया था मेरी फैमिली को लेके, तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस की है एंड कुछ चीज़ें जो जानकारी मेरे को लगता है कि लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कहाँ करना है एंड कितना टाइम लगेगा, वैक्सीनेशन फ्री है नहीं या नहीं है फ्री, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कौन सी टाइप की दो वैक्सीन है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। करीबन 28 क्वेश्चंस है जो मैंने खुद ने मैं साइट से पढ़ के बताऊंगा आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली स्क्रीन पे भी दिखाते रहूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेयर कैन आई रजिस्टर फॉर COVID-19 वैक्सीन? तो COVID-19 वैक्सीन आप रजिस्टर कहाँ पे कर सकते हैं तो बताऊँ तो एक पोर्टल है तो जिसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड स्क्रीन पे भी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल डिटेल्स आपको इनपुट करनी है, जस्ट एक मोबाइल नंबर देना है एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बेसिकली फोटो आईडी प्रूफ प्रोवाइड करना है। एक मोबाइल नंबर से 4 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तो आप कंप्यूटर से रजिस्टर कर सकते हैं, या तो नॉर्मल साइबर कैफे में जाके करा सकते हैं या फ्रेंड्स या फैमिली की मदद ले सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। इज देयर अ मोबाइल ऐप दैट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड टू रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन? कोई मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए क्या इसको इंस्टॉल करके जिसको रजिस्टर करना है? नहीं, कोई ऐप की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं कोई भी स्मार्टफोन से एंड वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इतना, बट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी फिजिकली आपको किसी को बोल के रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप रजिस्टर करके जाए टू अवॉइड डिले एंड लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े। और एक लिमिटेड नंबर होता है हर जगह पे सेंटर में कि कितने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन वो ले सकते हैं। कौन से एज ग्रुप के लोगों को अभी कोविड के लिए लिया जा रहा है? तो 45+ एज ग्रुप जो है उनको लिया जा रहा है और 1 मई से 18+ के लोगों को भी लिया जाएगा। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन? मैंडेटरी तो नहीं है बट फिर भी रिकमेंडेड है कि आप रजिस्टर करके ही जाए, क्योंकि लिए यहाँ पे रजिस्टर करके जाएंगे तो आप टाइम भी बचाएंगे और वहाँ पे जाओगे आपको पता नहीं है वहाँ पे अवेलेबल है भी नहीं। बहुत सारे सेंटर्स में कोविड वैक्सीन खत्म हो चुकी है, तो इट्स बेटर कि यू रजिस्टर योर सेल्फ एंड पता रहे कि वहाँ पे आप रजिस्टर करके जा रहे हो तो आपका वैक्सीन तो हो ही जाएगा। हाउ मेनी पीपल कैन बी रजिस्टर इन अ कोविड पोर्टल थ्रू वन मोबाइल नंबर? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मोबाइल नंबर से 4 लोग रजिस्टर हो सकते हैं बट चारों के ही पर्सनल आईडी प्रूफ चाहिएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी और फिजिकल जब आप वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं तभी भी। अगर आपने आधार कार्ड दिया है रजिस्ट्रेशन साइट पे तो आधार कार्ड का ही जेरोक्स और फिजिकल कॉपी वैक्सीनेशन के टाइम पे जरूरत होगा। हाउ कैन सिटीजन विद नो एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर मैनेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? जिनके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, मैंने जैसे बताया कि एक ही मोबाइल नंबर से 4 लोग रजिस्टर कर सकते हैं, तो अगर वो जरूरी नहीं है वो 4ों लोग आपकी फैमिली से ही हो। अगर आपके बाजू में नेबर्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, अगर आप 4 लोग साथ में जा रहे हो तो एक ही मोबाइल नंबर से, सपोज मेरे साथ मेरी फैमिली जा रही है या मेरे फ्रेंड जा रहे हैं, तो मैं मेरे मोबाइल से ही रजिस्टर कर सकता हूँ 4 लोग का, अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो। कैन आई रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन विदाउट आधार कार्ड? आधार कार्ड नहीं भी होगा, ये बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है, बस एक फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। फोटो आईडी की प्रूफ में क्या क्या आता है मैं आपको लिस्ट मेरे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे फोटो आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो होते हैं वो सारे ही वैलिड है, ये सारे ही आप इनपुट करके यूज कर सकते हैं। इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस टू बी पेड? यहाँ पे जब आप ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अभी बात करते हैं शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करना है वो बात करते हैं। कैन आई बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन इन दी कोविन पोर्टल? यस, ये मेजरली वेबसाइट का डिजिटल इंडिया जो बन रहा था वो वैक्सीनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो आप जब भी रजिस्टर करोगे तो आप बेसिकली अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, इसीलिए यस यू कैन बुक द स्लॉट फॉर कोविड वैक्सीनेशन ऑन योर। खाली मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए और आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हैं, अपना पिन कोड डालिए या फिर मुंबई और डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए।
आपके लोकल एरिया में जितने भी हॉस्पिटल कोविड सेंटर के हैं आपको अवेलेबल दिखाएंगे कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं। और वहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है कि वो पेड है या वो गवर्नमेंट के थ्रू फ्री है। एक डोज का 250 रुपीज लग रहा है, यानी आपको दो डोज लगने वाले हैं तो 500 रुपये पकड़ के ही चलिए कि आपके जाने वाले। जिस जगह पे आपने कोविड वैक्सीन लिया है वहीं पे सेकेंड टाइम कराना ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये दो प्रकार की वैक्सीनेशन है। कैन आई डाउनलोड अपॉइंटमेंट स्लिप? येस, यू कैन डाउनलोड दी अपॉइंटमेंट स्लिप। जो अपॉइंटमेंट स्लिप आपको मिलेगी बुकिंग के टाइम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में ही कॉपी रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हाउ कैन आई फाइंड द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर? कहाँ पे मालूम पड़ेगा कि आपका नियरेस्ट हब कौन सा है वैक्सीनेशन के लिए? जैसे ही आप मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं, पर्सनल डिटेल इनपुट करते हैं, पिन कोड इनपुट करते हैं या डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इनपुट करते हैं, तो आपको सारी ही लिस्ट आपके मोबाइल में एप्लीकेशन में दिख जाएगी। एप्लीकेशन नहीं, वेबसाइट पोर्टल पे दिख जाएगी, चाहे आप कंप्यूटर से करें या मोबाइल से करें। आप चूज कर सकते हैं कि कौन से साइट पे, कौन से लोकेशन पे आपको जाना है एंड वहाँ पे जाके आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वॉट इफ आई कैन नॉट गो फॉर वैक्सीनेशन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट? कैन आई रीशेड्यूल माई अपॉइंटमेंट? अगर आप जिस दिन बुक करते हैं अपॉइंटमेंट आप वो दिन नहीं जा पाते तो आप रीशेड्यूल कर सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, वहाँ पे रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन है तो आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। डू आई हैव एन ऑप्शन फॉर कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट? जैसे आप रीशेड्यूल कर सकते हैं वैसे ही कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। आप कैंसिल करके आप रीशेड्यूल अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वेर विल आई रिसीव कन्फर्मेशन ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ वैक्सीनेशन? आपको कहाँ पता चलेगा कि आपका टाइम और डेट का कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा क्या है? तो हाँ, जैसे ही आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे चार मैंने बताया, चार लोग अगर एक मोबाइल नंबर से जा रहे हैं तो वो एक मोबाइल नंबर में ही चारों के डिटेल आ जाएंगे कि ये टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट डेट स्लॉट। अगर मेरे को 4 दिन बाद का मिला है तो अभी एक मैसेज आएगा, और चौथे दिन पे जिस दिन मेरा एक्चुअली अपॉइंटमेंट है उस दिन वो टाइम स्लॉट के थोड़े टाइम पहले, एटलीस्ट 1 घंटा या 2 आवर्स पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ये टाइम पे ये जगह पे अपॉइंटमेंट शेड्यूल है तो आपको जाना है, रिमाइंडर मैसेज, और चारों के ही डिटेल उसमें ही आएंगे। कैन आई गेट वैक्सीनेशन विदाउट अपॉइंटमेंट? तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगा। तो आपको आपका मोबाइल और फोटो आईडी प्रूफ जरूरी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रजिस्टर करके ही जाए ताकि लाइन में लखाड़ा ना रहना पड़े। और मैंडेटरी है ये रजिस्ट्रेशन ताकि मालूम पड़े कि ये पर्सन को वैक्सीनेशन लग चुका है। सेकेंड डोज, अब बात करते हैं सेकेंड डोज शेड्यूलिंग। तो सेकेंड डोज शेड्यूलिंग में सबसे पहला सवाल जो है, इज इट नेसेसरी टू टेक सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन? तो सेकेंड डोज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डोज लिया है तो वो दोनों डोज लगेगा तभी उसे वैलिड काउंट किया जाएगा, नहीं तो वो फर्स्ट डोज कुछ भी काम का नहीं होगा। और दोनों डोज के बीच में, दोनों का अलग अलग, दो अलग वैक्सीन जो है तो दोनों ही डोज के अंदर कुछ ड्यूरेशंस है, वो ड्यूरेशंस आपको स्लिप में दी जाती है कि कितने दिन बाद आपको आना है सेकेंड डोज के लिए। वेन शुड आई टेक द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन? जैसे अभी मैंने बताया दो है वैक्सीनेशन, एक 4 से 6 हफ्ता लगता है, उसके बाद आपको जाना है जिस दिन आपने लगाया है। सपोज आज लगाया है तो आज से लेके 4 से 6 हफ्ते बाद आपको सेकेंड डोज के लिए जाना है। एंड दूसरी वैक्सीन जो है कोविशील्ड, उसको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, 6 से 8 हफ्ते बाद आपको ऑन द डेट ऑफ डोज आपको 6 से 8 हफ्ते बाद जाके दूसरा डोज लगवाना है। विल माई सेकेंड डोज अपॉइंटमेंट बी ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड बाई कोविन सिस्टम? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक शेड्यूल नहीं होगा, आपको रिमाइंडर खुद से सेट करना है कि मेरे इतने डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आप खाली जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था वापस वो मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए, आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। ये मेरे पापा की डिटेल्स है जो मैं अभी सेकेंड डोज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये शेड्यूल कर सकता हूँ। हुम कैन आई कॉन्टैक्ट इफ आई हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू माई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट? बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, जो जगह पे उनको जाना है, जैसे मैं बोलूँ मुझे नियरेस्ट हब में जाना है तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो मैं 1075 नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकता हूँ कि कैसे क्या करना है, वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, इस वैक्सीनेशन फ्री एट ऑल वैक्सीनेशन सेंटर? तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि वैक्सीनेशन दो जगह पे मिल रही है, एक गवर्नमेंट हब्स में और एक सेकेंड है प्राइवेट हब्स में। जो गवर्नमेंट हब्स में मिल रही है वो टोटली फ्री है, और जो प्राइवेट हब्स में मिल रही है वो 250 रुपीज़ पर डोज चार्जेज है। तो
तो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो आप प्राइवेट में चले जाइए, अगर आपको फाइनेंशियली इश्यूज है तो आप गवर्नमेंट में जाके लगा सकते हैं। कैन आई चूज दी वैक्सीनेशन? अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया है, दोनों वैक्सीन में से जो अवेलेबल होगी जिस जगह पे आप जा रहे हो जिस हब में वहाँ पे वो वैक्सीनेशन जो अवेलेबल होगी वही लगाई जाएगी, तो चूजिंग का ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। वॉट प्रिकॉशन शुड आई टेक एट द टाइम ऑफ सेकेंड डोज वैक्सीनेशन? सेकेंड डोज लगाने के टाइम उनको ये याद रखना है कोविड सेंटर को कि जो डोज आपने पहले लगाया था वही, जैसे मैंने आपको बताया दो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, सेम वैक्सीनेशन आपको लगनी चाहिए सेकेंड टाइम भी, और उसका ड्यूरेशन जो था वो प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए, जैसे 28 डेज है या 30 डेज है या 60 डेज है, तो वो डेज के बाद ही आपको दूसरी वैक्सीन लगनी चाहिए सेम नाम की। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जो सर्टिफिकेट हमको डोज लेने के बाद हमको मोबाइल में मिलता है वो कैसा होगा, क्या होगा, कैसे मिलेगा? व्हाई डू आई नीड अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? तो सर्टिफिकेट पहली बात तो क्यों जरूरी है? सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है कि वो प्रूफ करता है कि आप वैक्सीनेटेड हो, आपको वैक्सीनेशन लग चुका है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? तो जैसे मैंने बताया दो जगह पे मिल रहा है आपको वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, तो जिस हब में आप जा रहे हैं उन लोग रिस्पॉन्सिबल है, एंड पोर्टल पे भी आपको आपका जिधर आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे ही आप जाके एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने वैक्सीनेशन लगा लिया, उसके थोड़े टाइम बाद मतलब अप्रोक्स 8 या 24 आवर्स बाद आप ऐसे इमीजिएटली भी आपके नंबर पे आ जाता है लिंक, बट आप डायरेक्ट भी पोर्टल पे जाके आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा। ये मेरे काका का सर्टिफिकेट है, एंड अभी ये फर्स्ट सर्टिफिकेट है, सेकेंड डोज लगना बाकी है तो उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। एंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहा है ये बात याद रखिएगा कि 250 रुपीज चार्जेस दे दिया है, उसके बाद प्रिंट आउट निकालने का या सर्टिफिकेट का कोई भी अलग चार्जेस नहीं है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वेयर कैन आई डाउनलोड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम? जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन का आपका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से, जो डिजी लॉकर में ऑटोमेटिकली आ सकता है, आप उसमें सेव कर सकते हैं, कभी भी किसी को प्रोवाइड करना है तो डिजी लॉकर काफी सेफ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एप्लीकेशन है तो वहां पे आप रख सकते। विच डॉक्यूमेंट शुड आई कैरी विद मी फॉर वैक्सीनेशन? जैसे मैंने आपको बताया जो फोटो आईडी प्रूफ आप रजिस्ट्रेशन के टाइम दिखा रहे वही फोटो आईडी प्रूफ आपको एक्चुअल फिजिकल कॉपी और एक फोटो कॉपी फॉर द सेफ साइड लेके जानी है वैक्सीनेशन के टाइम। कैन आई गेट वैक्सीनेटेड विद सेकेंड डोज इन अ डिफरेंट स्टेट डिस्ट्रिक्ट? ये काफी लोगों का सवाल है, अगर मे बी आपको कोई रीजन से इंटरस्टेट ट्रैवल करना पड़ा या आपको बाहर जाना पड़ा कोई दूसरे जगह पे, तो क्या मैं वो वैक्सीनेशन लगा सकता हूँ? तो हाँ आप लगा सकते हैं, बट वहाँ पे जो वैक्सीन आपने लगाई थी वही वैक्सीन को ढूंढ के वो सेंटर में वो वैक्सीन अवेलेबल है वही जगह पे जाके वो वैक्सीन लगाइएगा। रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट्स, हुम डू आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ साइड इफेक्ट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन? अगर बाई चांस आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है वैक्सीनेशन लेने के बाद तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे? मैं सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सारे हेल्पलाइन नंबर से आप इनको कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं। तो ये सारे 28 क्वेश्चंस के डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिए, एंड मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं 2 बार जाके आ गया हूँ कोविड सेंटर में, वैक्सीनेशन नहीं मिली है। फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, करीबन 2 से 3 घंटे तक लोग खड़े थे, इसलिए मैं वापस रिटर्न आ गया। एंड मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ 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 आप रजिस्टर करके ही जाइए ताकि आप ये सारे भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाइए और कोविड को और बढ़ने का चांसेस मत दीजिए। एंड सेकेंडली कोई भी डाउट और क्वेरी है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा मेरे एंड से जितने प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज सॉल्व कर सकूँ। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, एटलीस्ट एक जन को अपने कॉन्टैक्ट में, पर्सनल टच में कॉल कीजिए और पूछिए उनकी हालत कैसी है, ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आपका सपोर्ट की सबको जरूरत है। इतना ही था इस वाली वीडियो में, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप इंस्टा पे भी मुझे DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।